किसान भाइयों, शायोना बायोटेक आप सभी के लिए एक खुशखबरी लाया है। अमरूद की खेती में अब बढ़िया उत्पादन और मुनाफा। शायोना बायोटेक द्वारा निर्मित रेड अमरूद के टिश्यू कल्चर पौधे जो विभिन्न नामों से प्रचलित हैं, जैसे कि अंबिका रेड, रेड डायमंड, ऑस्ट्रेलियन रेड, जापानीज रेड वगैरह वगैरह, लगाने के दूसरे वर्ष से उत्पादन शुरू। एक अमरूद का वजन 300 ग्राम से 750 ग्राम तक। स्वाद में अत्यधिक मिठास, नहीवत बीज, भरपूर रस और क्रिस्पी जैसी विशेषताएं लिए अपने आप में अनूठी किस्म। तोड़ने के बाद 15 से 20 दिन की शेल्फ लाइफ होने से निर्यात और दूर तक परिवहन के लिए उपयुक्त। किसान भाइयों, अब समझते हैं कि टिश्यू कल्चर पौधों को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। टिश्यू कल्चर पौधे और ग्राफ्टेड पौधे में मोटे तौर पर क्या अंतर है। टिश्यू कल्चर में संपूर्ण पौधा मदर प्लांट ही होता है, जबकि ग्राफ्टेड पौधे में नीचे रूट स्टॉक होता है और उस पर मदर प्लांट लगाया जाता है, यानी संपूर्ण पौधा एक समान न होकर दो भागों में होता है। यदि पौधे का कुछ भाग किसी कारण से टूट जाए या सूख जाए तो भी टिश्यू कल्चर पौधे के गुण मदर प्लांट के समान ही रहते हैं, जबकि ग्राफ्टेड पौधों में अगर ऊपर का भाग सूख जाए या टूट जाए तो पौधा रूट स्टॉक का देसी पौधा ही बनता है। ग्राफ्टेड पौधों में खास तौर पर जड़ों में नेमाटोड्स की संभावना ज्यादा होती है, जबकि टिश्यू कल्चर के पौधे प्रयोगशाला में तैयार होने से यह संभावना शून्य होती है, जिस कारण डिलीवरी के समय हमारे पौधे नेमाटोड्स जैसे संक्रमण से मुक्त होते हैं। रेड अमरूद के टिश्यू कल्चर पौधों से 20 से 25 वर्षों तक एक समान उत्पादन मिलता है तथा फलों के आकार में भी एक रूपता होती है, जबकि ग्राफ्टेड पौधों में 8 से 10 साल के बाद उत्पादन में 30% तक गिरावट की संभावना होती है और फल का आकार भी क्रमशः कम होता जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, हमेशा टिश्यू कल्चर पौधे लगाने को प्राथमिकता दें। किसान भाई जब चाहें व्यक्तिगत रूप से शायोना बायोटेक की लैब भी देख सकते हैं। आप रेड अमरूद के टिश्यू कल्चर पौधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9879712388 पर संपर्क कर सकते हैं। शायोना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आनंद, गुजरात, इंडिया।